तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 9 एपिसोड 56-60 के नोवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 एंड सीजन 9 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गु ट्राइब के कल्टीवेटर्स की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर जो सीनियर गुइयान थी वह लाइव स्टेज तक पहुंच गई थी। मतलब गाइस नहीं, वह हाफ ऑफ लाइव स्टेज की कल्टीवेटर थी, बट उसने मिस्टेज स्प्रिट फ्रूट का यूज किया, अब वह लाइव स्टेज की कल्टीवेटर बन चुकी है। वहां पर सीनियर गुइयान ने कहा था कि कुछ टाइम और वेट करते हैं, अगर लिंगडोंग झील से बाहर नहीं आता है तो फिर हम लोग झील के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि आखिर लिंगडोंग के साथ क्या गड़बड़ है। उसके बाद वहां पर जो सीनियर गुइयान होती है वो अपने जो इतने भी गु ट्राइब के लोगों से पूछती है, क्या गु ट्राइब से कोई हमारे पास संदेश आया है? गु ट्राइब के सभी कल्टीवेटर्स हाँ में सिर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ सीनियर गुइयान, दरअसल गु ट्राइब से एक सीक्रेट संदेश को भेजा गया है जिसे केवल आपके ब्लड से ही खोला जा सकता है। वहाँ पर सीनियर गुइयान ने उस मतलब संदेश को लिया था और इसमें ब्लड डालकर अपना उसके बाद संदेश को ओपन किया था। सीनियर गुइयान जैसे ही संदेश को पढ़ती हैं गाइस, उनका चेहरा बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाता है। उनके चेहरे पर अजीब अजीब से भावनाएं, थोड़ा सा दुख वाली भावनाएं उभर जाती हैं। वहां पर गु ट्राइब के बाकी कल्टीवेटर्स सीनियर गुइयान की ऐसी भावनाओं को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, सीनियर गुइयान क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वहां पर सीनियर गुइयान की थोड़ी सी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, सीनियर गुइंगटियान को बहुत ही ज्यादा चोट लगी है, मतलब उन्हें बहुत ही ज्यादा हद तक घायल कर दिया गया है। वह इतनी ज्यादा घायल है कि वह सही से खड़ी ओड़ी भी नहीं हो पा रही है, बट वह जिंदा है। आसपास के सभी कल्टीवेटर्स इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि गाइस सीनियर गुइंगटियान ना गु ट्राइब के बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदे थे और इस बार जो ट्राइब कॉम्पिटिशन नहीं होने वाला था, यही गु ट्राइब में सबसे ज्यादा भयानक प्रतिभा मानी जाती थी, जो गु ट्राइब को लीड करते हुए ट्राइब कॉम्पिटिशन में गु ट्राइब को अच्छी रैंक दिलाने वाली थी। लेकिन इस बार तो उन पर ही अटैक कर दिया गया है और ये जो नई सीनियर गुइयान गाइस है, ये गुइंगटियान की शायद बहन ओयन है। गु ट्राइब के सभी कल्टीवेटर्स भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या सीनियर गुइंगटियान को किसी ने घायल कर दिया? बट ये कैसे हो सकता है? सीनियर गुइंगटियान लाइव स्टेज के मिडिल में काफी ज्यादा अच्छी लेवल की कल्टीवेटर थी, उन्हें किसने घायल किया? सीनियर गुइयान बताते, दरअसल इस लेटर में लिखा हुआ है कि उन पर सीक्रेट तरीके से अटैक किया गया था जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा गंभीर चोटें आई है। वह चोटें इतनी ज्यादा गंभीर है कि इस टाइम जो मार्शल गैदरिंग नहीं होने वाली है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। यह बात सुनकर और भी ज्यादा लोग शॉक हो जाते, क्योंकि मतलब जो गु ट्राइब का कॉम्पिटिशन नहीं होता गाइस, सॉरी ट्राइब कॉम्पिटिशन जैसे नहीं होता है, ट्राइब कॉम्पिटिशन में यहाँ पर टोटल 5 बड़े बड़े ट्राइब्स हैं, तो 5 बड़े बड़े ट्राइब में से अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स को वो लोग फाइट में उतारते हैं, मतलब यंग जीनियस को नहीं था उभरते हुए जीनियस, यंग जीनियस जिसे लोग कहते हैं उसको उतारते हैं। तो हर एक ट्राइब अपने 2 कल्टीवेटर्स को उतारता ही है। तो इधर गु ट्राइब से एक सीनियर गुइयान जाने वाली थी और दूसरी सीनियर गुइंगटियान की मदद सीनियर गुइयान करती, तो इस बार ट्राइब कॉम्पिटिशन में इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैंक आ सकती थी। बट किसी ने सीनियर गुइंगटियान पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया है, तो इस बार तो बहुत ही ज़्यादा मतलब गु ट्राइब की एल लगने वाले हैं। वहाँ पर जो सीनियर गुइयान होती है वह कुछ टाइम सोचती है और फिर उनको आइडिया लग जाता है कि ये सब किसने करवाया है, और वह कहती है, ये सारी चीज़ें वी ट्राइब के वी स्ट्रॉन्ग और वी ट्राइब के कल्टीवेटर्स ने किया है। तुम लोग को याद होगा यहाँ से वी ट्राइब का वी स्ट्रॉन्ग जब निकल रहा था उसने कहा था कि तुम्हें मतलब गु ट्राइब को इसका खामियाजा ना भुगतना ही होगा, इसलिए मैंने सोचा था कि वह अपने कल्टीवेटर से हमारे ऊपर ग्रुप पर अटैक करवाएगा, इधर उधर फाइट्स करवाएगा, बट वो
हरामी वी ट्राइब का वी सॉन्ग, उसने तो अपने ट्राइब के पावरफुल कल्टीवेटर के साथ हमारे गु ट्राइब की गु यंग टियान पर हमला करवा कर उसे घायल कर दिया। सच में ये वी ट्राइब वाले बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को तीसमार खान समझने लगे हैं। इस बार अगर मेरे साथ वी सॉन्ग हाथ में लग गया ना तो तोड़ ताड़ कर एकदम चटनी बना दूंगी बहुत ही ज्यादा। सभी लोग गुस्सा होने लगते हैं, गु ट्राइब वाले भी गुस्सा होने लगते हैं। तभी गु ट्राइब का एक कल्टीवेटर बोलता है सीनियर गुयांग तो हम क्या करें, इस बार जाने ना हमारी सीनियर गुयांग टियान घायल हो चुकी है और ट्राइब कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, तो हमें एक बाहरी कल्टीवेटर को इनवाइट करना पड़ेगा हमारे ट्राइब में जो हमारी तरफ से फाइट करे। मतलब गाइस ये भी रूल था ट्राइब कंपटीशन में। दरअसल अगर आपके पास दो टैलेंटेड जीनियस नहीं है तो आप किसी भी एक यंग और टैलेंटेड जीनियस को अपने साथ मतलब इन्वाइट कर सकती कि आओ हमारी तरफ से फाइट करो। सीनियर गुयान भी बोलती है हाँ इनवाइट तो करना पड़ेगा, लेकिन इनवाइट वाले में झंझट होती है ना, मतलब आप किसी ट्राइब के पास जाएंगे या किसी सेक्ट के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप अपने सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदे को हमारे साथ इस ट्राइब कॉम्पिटिशन में भेजिए, तो काफ़ी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। साथ ही साथ वो बंदे भी विश्वास लायक नहीं होते हैं, यानी हमें जिस भी कल्टीवेटर को इनवाइट करना है उसे हम कीमत तो दे सकते हैं लेकिन वो बंदा विश्वास वाला होना चाहिए। ये नहीं, दरअसल मान लीजिए ट्राइब कंपटीशन में गया, सामने किसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर का सामना हो गया और ये कल्टीवेटर देख कर पहले डर गया, डर गया कि अरे भाई लड़ूंगा तो हाथ टूट जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसलिए वो मतलब फाइट के बीच ही में ना अगर वो हार मान लेता है तो फाइट के बीच में कैंडिडेट तो चेंज नहीं होगा, यानी यहाँ पर सीधे करने का मतलब कल्टीवेटर तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर सीनियर जो छोटी लड़ सीनियर गुयान नहीं है गाइस, अब उसे ही फाइट करना पड़ेगा और वैसे भी अब यहाँ पर सीधे मतलब एक कैंडिडेट देख कर डर कर भाग गया तो थोड़ा सा नहीं होता है, यहाँ पर हार मान जाएंगे सीधे गुड ट्राइब वाले हार जाएंगे, सीधे मानिए हार जाएंगे। तो यहाँ पर यही सारी टेंशन इन लोग के बीच में चलने लगते हैं, भाई क्या करें। तभी एक कल्टीवेटर बोलता है अरे हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, लिंगडोंग को क्यों नहीं इन्वाइट करते, देखो लिंगडोंग बहुत ही ज़्यादा डेंजर कल्टीवेटर है, उसने निर्वाणा के लेवल 9 पर रहते हुए दो दो लाइव मिस्ट्री स्टेज के कल्टीवेटर को जान से मार दिया, एक तो उसमें से डिवाइन सोल सिंबल मास्टर था। लिंगडोंग जितना पावरफुल और विश्वसनीय कल्टीवेटर कहीं हमें और नहीं मानेगा। वहाँ पर जो सीनियर गुयान होती है वह कहती है लिंगडोंग को इनवाइट कर सकती हूँ लेकिन ये ट्राइब कॉम्पिटिशन नहीं, इसमें अगर लिंगडोंग जैसे फाइट करता है और एकदम डेंजर लेवल की फाइट हो जाती है, लिंगडोंग का एकदम माथा तक खराब हो जाता है, मार देता है किसी को और ऊपर से लिंगडोंग मतलब हमारी तरफ से फाइट क्यों करे, अभी लिंगडोंग यहाँ पर नया है, ऊपर से आते ही और भी ट्राइब से पंगे ले ले तो नहीं होता, थोड़ा सा लिंगडोंग हमेशा चाहेगा ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम से दूर रहे। अब ये बात जरूर है कि लिंगडोंग जितना भी प्रॉब्लम से दूर भागने की कोशिश करेगा उतना ही हजार प्रॉब्लम सर पीछे पड़ जाएंगे। वहाँ पर सीनियर गुयान भी बोलती है तो ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, अगर लिंगडोंग मान जाता है तो ठीक है मैं लिंगडोंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छी कीमत दूंगी, चलो मैं इस बार लिंगडोंग को ना जो हमें मतलब ट्राइब कॉम्पिटिशन जीतने पर 3 सीट मिलते हैं उन सीट में से 1 सीट दे दूंगी। वहाँ पर सभी लोग कहते हैं 3 सीट्स और गाइस हमें इन 3 सीट्स के बारे में बताया जाता है। दरअसल इस कॉन्टिनेंट पर एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा टावर है जिसका नाम है चायोटिक टावर। इस टावर में ना बहुत ही ज़्यादा भयानक लेवल की एनर्जी मौजूद है जिसे अगर कल्टीवेटर एब्जॉर्ब करता है ना तो उसकी फिजिकल पावर साथ ही साथ उसकी कल्टीवेशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है और मतलब हर एक कल्टीवेटर टावर में जाकर कल्टीवेशन करना चाहता है लेकिन मौका नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो 5 बड़े ट्राइब्स हैं ना उन्होंने एक रूल सेटअप कर दिया है कि हर साल ट्राइब कॉम्पटिशन होगा और जो भी ट्राइब कॉम्पटिशन जीतेगा उसके पास 3 सीट्स चली जाएंगी। मतलब समझिए अगर गुड ट्राइब ने अगर कंपटीशन जीत लिया तो गुड ट्राइब को 3 सीट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी और गुड ट्राइब 3 अपने कल्टीवेटर से इस टावर में भेजकर कल्टीवेट करवा सकता है। और गाइस यहाँ तो थोड़ा सा आपको मज़ा नहीं आएगा लेकिन मैं जब भी 1 घंटा का वीडियो बनाता हूँ ना तो उसमें सस्पेंस एकदम भर भर कर रहता है, तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन 1 मिनट बाद आपको एकदम डेंजर लेवल का एकदम मज़ा आएगा। ये तो कहानी का केवल इंट्रो पार्ट था अभी। तो चलिए गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना तो आप हमारे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में ना आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवल ही मिलेगा। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स
लगभग 800 से 900 एपिसोड तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए और केवल लिखे सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है, मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इधर गो ट्राइब के सभी कल्टीवेटर्स ने डिसाइड कर लिया होता है ना कि हम लिंगडोंग को जो ट्राइब कंपटीशन नहीं होने वाला है उसमें इनवाइट करेंगे, ताकि लिंगडोंग गो ट्राइब की तरफ से फाइट करे। वहां पर जो मतलब यही सारी बातें हो जाती हैं। उसके बाद ये लोग 5 दिन तक और लिंगडोंग के झील से निकलने का इंतजार करते हैं, बट लिंगडोंग झील से निकल ही नहीं रहा होता है। वहां पर सीनियर गुइजान को भी थोड़ी सी टेंशन वेंशन होती है, और वहां पर जो छोटी लड़की गुइजा होता है उसे लिंगडोंग की काफी ज्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि लिंगडोंग लमसम 1.5 महीने से ही ना एकदम झील में बैठकर कल्टीवेशन ही कर रहा होता है। वहां पर जो सीनियर गुइजान होती है, अंदर कुछ तो गड़बड़ है, अंदर आखिर लिंगडोंग 1.5 महीने से कर क्या रहा है, क्या मुझे अंदर जाकर एक बार चेक करना चाहिए। वहां पर सीनियर गुइजान भी अब यह डिसाइड करती है, चलो एक बार मैं जाकर खुद ही झील के अंदर चेक करती हूँ कि आखिर लिंगडोंग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं फंस गया है। वहां पर जो सीनियर गुइजान होती है वह तुरंत यही डिसाइड करते हुए झील के पास चली जाती है, और झील में एकदम कूदने ही वाली होती है। तभी झील के अंदर से बुलबुले उलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं। सीनियर गुइजान थोड़ा सा झील से पीछे हट जाती है, और हमें दिखाया जाता है जो लिंगडोंग होता है वह झील को एकदम चीरता हुआ एक काफी ज्यादा भयानक एंट्री मारता है, एकदम सुपर हीरो माफिक। वहां पर सीनियर गुइजान भी लिंगडोंग को देखते हैं, और गुड ड्राइव के सभी कल्टीवेटर्स लिंगडोंग को बाहर आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहां पर जो छोटी लड़की गुइजा होती है वह लिंगडोंग को बाहर निकलता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और कहती है बड़े भाई आप वापस आ गए। लिंगडोंग भी उसका एकदम माथे से थपथपाता है। वहां पर जो सीनियर गुइजान होती है उनकी नजर लिंगडोंग से निकलने वाली बॉडी पर आभा पर पड़ती है, और उसकी आभा को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। लिंगडोंग तो लाइव मिस्ट्री स्टेज तक पहुंच गया है, और गाइस हमें पता चलता है लिंगडोंग ने मतलब उस नई लावा वाली दुनिया में रहकर लमसम 1.5 महीने से कल्टीवेशन किया था, और कोर स्पिरिचुअल जर्म सीरम साथ ही साथ मिस्ट्री स्प्रिट फ्रूट की मदद से अपने आप को फाइनली लाइव मिस्ट्री स्टेज तक पहुंचा ही लिया था। वहां पर जो सीनियर गुइजान होती है वो लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और फिर वो भी लिंगडोंग के पास आती है और कहती है फाली लिंगडोंग तुमने भी मतलब इतनी जल्दी केवल 1.5 महीनों के अंदर ही तुमने लाइफ मिस्ट्री स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर लिया। मैंने देखा था जब पहली बार झील में गए थे ना, तुम लिनवाना के लेवल 9 के कल्टीवेटर थे। इसके बाद 2 लेवल्स आते हैं गाइस, एक तो हाफ ऑफ लाइफ मिस्ट्री स्टेज, उसके बाद आता है लाइफ मिस्ट्री स्टेज। यहाँ पर लिंगडोंग ने 1.5 महीने के अंदर 2 लेवल को ब्रेक थ्रू किया था, ये कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड कल्टीवेटर की बात की जाए ना तो भी उसे निर्वाणा से लेवल 9 और फिर हाफ ऑफ लाइफ मिस्ट्री स्टेज और लाइफ मिस्ट्री स्टेज इन दोनों लेवल को ब्रेक थ्रू करने में कम से कम से 4 से 5 साल तो लग ही जाते थे, लेकिन लिंगडोंग ने तो केवल मतलब 1.5 महीने के अंदर ही इस मुकाम को अचीव कर लिया है। गुड ट्राइब के भी कल्टीवेटर्स लिंगडोंग को इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब काफी ज्यादा शौक और खुश दोनों हो जाते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह सीनियर गुइजान की तरफ देखता है, कहता है नहीं अंदर मुझे झील के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई थी जिसके कारण मेरा इतना जल्दी लेवल अप हो गया। लिंगडोंग ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता है। वहां पर सीनियर गुइजान भी कुछ नहीं पूछती है। वहां पर सीनियर गुइजान तो खुशी थी क्योंकि लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 9 पर रहते हुए 2 लाइफ मिस्ट्री स्टेज के कल्टीवेटर को पीट सकता है, और साथ ही साथ जान से भी मारने की क्षमता रखता है, तो अब लाइफ मिस्ट्री स्टेज तक पहुंच गया तो उसकी पावर क्या होगी। वहां पर लिंगडोंग और सीनियर गुइजान और गुड ड्राइव के बाकी लोग थोड़ा सा ऐसे ऐसे बातें करते हैं। उसके बाद जो सीनियर गुइजान होती है वो लिंगडोंग से पूछती है, लिंगडोंग तुम्हारा मतलब क्या इरादा है, अब तुम कहाँ जाने वाले हो। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है कहाँ जाने वाला हूँ, जो मेरा फर्स्ट टारगेट है वो है ना डीमन सी का मैप ढूंढना, क्योंकि डीमन सी काफी ज्यादा बड़ा है। अगर मैं इस मिस्टीरियस स्प्रिट कॉन्टिनेंट से बाहर निकलूंगा ना तो आखिर मैं जाऊंगा कहाँ, इतना बड़ा डीमन सी में ऐसे तो नहीं मैं पागलों की तरह घूमता रहूंगा, पहले मेरा मेन टारगेट होगा ये जो डीमन सी का है पूरा नक्शा ढूंढना।
वहाँ पर जो सीनियर गुइयान होती है वैसे थोड़ा सा लिंगडोंग से ऐसे वैसे बातें करती हैं। उसके बाद फिर वह लिंगडोंग से बोलती है, लिंगडोंग दरअसल मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहती हूँ, क्या तुम हमारी तरफ से, हमारी ट्राइब की तरफ से, जो इधर मार्शल गैदरिंग ट्राइब कॉम्पिटिशन होने वाला है, हमारी ट्राइब की तरफ से फाइट करोगे? वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह सीनियर गुइयान की तरफ देखकर कहता है, सीनियर गुइयान आप क्या बोल रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपकी ट्राइब की तरफ से मैं फाइट करूं? दरअसल यहाँ पर कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पर जो सीनियर गुइयान होती है वह बताती है, दरअसल हमारी गुड ट्राइब में इस बार दो बंदे ट्राइब कंपटीशन में जाने वाले थे, एक तो मैं थी और दूसरी मेरी बड़ी बहन गुइयंग टियान थी, लेकिन गुइयंग टियान पर सीक्रेटली अटैक किया गया है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया गया है। वह इस हालत तक पहुँच गई है कि वह ट्राइब कंपटीशन तक ठीक नहीं हो सकती और उनको रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो हमें एक एक्सटर्नल बंदे को अपनी ट्राइब में इन्वाइट करना पड़ेगा जो मेरे साथ मिलकर ट्राइब कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह सीधे ही सीनियर गुइयान को मना कर देता और कहता है, नहीं सीनियर गुइयान, मैं आपके इस मामले में और आपकी ट्राइब की तरफ से फाइट नहीं कर सकता, दरअसल मैं इससे अभी जगह जगह पर न्यू आया हूँ और ना ही मेरे पास कोई बैकअप है ना ही कोई सपोर्ट है, मैं अगर आपकी तरफ से फाइट करता हूँ 2-3 कल्टिवेटर्स को नहीं, अगर लिंगडोंग हरा वरा भी देता है तो नहीं होता है, जो अपोजिट ट्राइब होता है वो गुस्सा हो जाएगा, कौन है, बैकग्राउंड चेक करने लगे, अगर लिंगडोंग का बैकग्राउंड नहीं मिला तो वैसे भी पीछे पड़ जाएंगे, फिर से लिंगडोंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत आ जाएगा, वैसे भी लिंगडोंग फालतू में पंगे नहीं लेना चाहता। और गाइस आप भी जानते हैं, अगर लिंगडोंग पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, 2-3 लोग को तोड़ेगा, जो भी टैलेंटेड बंदे होगा उनकी माँ बहन एक कर देगा, उसके बाद जो पावरफुल ट्राइब्स होंगे वो लिंगडोंग के पीछे पड़ जाएंगे, तो लिंगडोंग फालतू में पंगे होंगे नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो सीधे मना कर देता है। वहाँ पर सीनियर गुइयान लिंगडोंग को ऐसे मना करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती हैं। मना भी गाइस थोड़ा सा सोच समझ कर, नहीं कोई आपको ऑफर देता है तो आप कुछ टाइम सोचते हैं उसके बाद मना करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिंगडोंग ने सीधे सोचा वोचा भी नहीं था, सीधे ही मना कर दिया था। वहाँ पर जो सीनियर गुइयान होती हैं वो फिर से लिंगडोंग से कहती हैं, लिंगडोंग जो ट्राइब कॉम्पटिशन होता है ना उसमें अगर जो भी ट्राइब जीतती है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिवार्ड्स मिलते हैं, पहला रिवॉर्ड यह है कि उसे चैवटिक टावर में जाने का मौका मिलता है, चैवटिक टावर एक एंशियंट टाइम का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जगह है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भयानक है लेवल की क्यूआई एनर्जी मौजूद है, जिसे अगर तुम एब्जॉर्व करोगे ना तो सच में तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारी फिजिकल पावर एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँच जाएगी। वहाँ पर इस चैवटिक टावर में जाने के लिए ना इधर लोग मरते हैं, लेकिन चैवटिक टावर पर 5 ट्राइब का नियंत्रण है और 5 ट्राइब ने मिलकर यह नियम बनाया हुआ है कि ट्राइब कॉम्पिटिशन में जो भी बंदा जीतेगा, जो भी ट्राइब जीतेगा उसी के 3 कल्टिवेटर्स को चैवटिक टावर में जाने का मौका मिलेगा। तो लिंगडोंग अगर तुम हमारी मदद करते हो ना तो एक सीट तुम्हें फिक्स कर दी जाएगी, एक सीट तुम्हें दे दी जाएगी, यानी तुम भी चैवटिक टावर में जाकर कल्टिवेशन कर सकते हो। वहाँ पर लिंगडोंग बोलते हैं, क्या चैवटिक टावर में जाकर कल्टीवेशन करना? वहाँ पर जो सीनियर गुइयान होते हैं वह कहते हैं, लिंगडोंग अगर तुम हमारा सपोर्ट करते हो ना तो तुम्हें डीमन सी का मैप चाहिए ना, मैं खुद तुम्हारे लिए डीमन सी का मैप लेकर आऊँगी, डीमन सी का मैप बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, लेकिन हमारा गुड ट्राइब उसे खरीद सकता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, सीनियर गुइयान आपका ऑफर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। गाइस रीज़न यह था ना गाइस, लिंगडोंग की जो ग्रीन ड्रैगन हवेली मटलाइज टेक्निक है वह एक बॉडी स्ट्रेंथिंग मार्शल आर्ट टाइप टेक्निक है जो लिंगडोंग की बॉडी की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है, तो लिंगडोंग ऐसे टावर में क्यों जाए जहाँ पर कल्टीवेशन करे फिर बॉडी की पावर बढ़ाए, वैसे ही लिंगडोंग की ग्रीन ड्रैगन हवेली मटलाइज एकदम नेक्स्ट लेवल की है, तो फालतू में लिंगडोंग क्यों जाए, ट्राइब कॉम्पिटिशन में जाएगा जानते कितना हल्ला गुल्ला होगा, इसलिए लिंगडोंग मना कर देता है। वहाँ पर सीनियर यांग सिया जो सीनियर गुइयान नहीं होती है वो थोड़ा सा उदास हो जाती है, फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते, अरे लिंगडोंग तुम इस चैवटिक टावर के अंदर जो एनर्जी है ना उसका महत्व समझ नहीं रहे हो, देखो मेरे पास उस एनर्जी का एक सैंपल है, इसे मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, इसे एक बार ध्यान से देखो फिर इसकी एनर्जी को महसूस करो, उसके बाद कोई फैसला लेना। उसके बाद जो सीनियर गुइयान होती है वो एक अजीब सा मटका निकालती है और उस मटके को लिंगडोंग को दे देती है और उस मटके के अंदर लिंगडोंग कवर हटाता है, उसके बाद वो एनर्जी बाहर निकलती है, लिंगडोंग उस एनर्जी को अपनी बॉडी में
एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही लिंगडोंग उस एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है ना, लिंगडोंग को ऐसा फील होता है कि इसकी ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक काफी ज्यादा हद तक इम्प्रूव हो रही है, साथ ही साथ उसकी पावर भी काफी ज्यादा स्पीड के साथ बढ़ रही है। लिंगडोंग भी इस एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा शॉक में था। वहां पर सीनियर गुइयान लिंगडोंग के चेहरे पर बदलते हुए भाव को देखकर कहती है, लिंगडोंग ये कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है बल्कि ग्रेट डेसोलेट क्यूआई है, जो एक कल्टीवेटर की फिजिकल स्ट्रेंथ साथ ही साथ कल्टीवेशन में भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है, अच्छा ये बात है क्या, सच में ये तो काफी ज्यादा मतलब एकदम डेंजर लेवल का है। तभी लिंगडोंग को कुछ अजीब सा महसूस होता है। लिंगडोंग ने ग्रेट डेसोलेट क्यूआई को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं किया था गाइस, वो लिंगडोंग की बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है बल्कि लिंगडोंग की बॉडी के अंदर जो रहस्यमय पत्थर का तावीज होता है वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। लिंगडोंग इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि रहस्यमय पत्थर का तावीज कभी भी रिएक्ट नहीं किया था। इधर रिएक्ट कुछ टाइम पहले नहीं पिछले एपिसोड में किया था, तब उसने और लाल बाले वाले आदमी पर जाकर किया था और उसे जगाने उगाने की कोशिश कर रहा होता है, बट आज पहली बार रहस्यमय पत्थर का तावीज किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, इसलिए लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये रहस्यमय पत्थर का तावीज कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। या वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर जिसे गॉड लाइक कल्टीवेटर लोग एंशिएंट टाइम में मानते थे, उसकी मतलब जब मरा था ना तो उसकी समझी एकदम आखिरी निशानी थी वो कल्टीवेटर। आपको पता है ना उसने डीमन क्रिएचर को लड़ने उड़ने के लिए, मतलब पिछले एपिसोड में मैंने काफी ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया, उसे फालतू में बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो जब गॉड लाइक कल्टीवेटर मरा था तो उसके पीछे निशानी छूटी थी। तो गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना, तो आप हमारे लाइफटाइम सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं। लाइफटाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवल ही मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड्स जल्द से जल्द देखने हैं तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करिए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना, मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूंगा, उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है ना तो गाइस आप बाय कर सकते हैं, अभी भी काफी ज्यादा मार्शल यूनिवर्स के एपिसोड्स हैं, एकदम सस्पेंस वाला है, तो सब्सक्रिप्शन बाय करना तो बाय करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इस जब लिंगडोंग ने ना रहस्यमय पत्थर के तावीज को नई ग्रेट डेसोलेट क्यूआई एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए देखा था ना, काफी ज्यादा शॉक था। ये जो ग्रेट डेसोलेट क्यूआई एनर्जी है वह आपको पता है ना गुइयान ने दिया था, गुइयान ने नहीं वो मटका निकाला था, उसमें था वो चैटिक टावर की थोड़ी सी एनर्जी थी, तो सैंपल के माफिक लिंगडोंग को दिया था। वहां पर लिंगडोंग भी रहस्यमय पत्थर के तावीज को ऐसा रिएक्ट करता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और लिंगडोंग मन ही मन सोचता है, क्या ये रहस्यमय पत्थर का तावीज मतलब इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता है क्या ये बंदा, मतलब जो रहस्यमय पत्थर का तावीज है, अगर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये क्या फिर से जिंदा हो सकता है इंसान? अगर ऐसा हो गया ना तो सच में इस दुनिया के लिए काफी ज्यादा मतलब बड़ी बात होगी गाइस। इस कल्टीवेटर ने इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। गाइस यहाँ पर कहानी की थोड़ी खिचड़ी बनती जा रही है। नहीं पिछले एपिसोड में वो लाल वाले बंदे ने बोला था कि वो बंदा रीइनकार्नेट कर चुका है और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, इधर उसने स्नो मास्टर का जिक्र किया था। अब ये अजीब सा मतलब बहुत ही ज्यादा इधर कहानी में एकदम खिचड़ी बनती जा रही है, लेकिन कहानी में तो मजा तो है, एकदम सस्पेंस तो है। और आप लोग चिंता मत करिए, लमसम 20 एपिसोड्स और हैं, उसके बाद जो सीजन 9 है वो भी एंड हो जाएगा, उसके बाद सीजन 10 स्टार्ट होगा। तो गाइस आप लोग चिंता मत करिए, सीजन 10 काफी ज्यादा ढांसू होगा और जो सीजन 10 है ना वो लमसम 14 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, 14 या 11 से 12 दिन के अंदर ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इधर कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर आते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो यही सारी चीजें सोच रहा होता है कि आखिर ये पत्थर एनर्जी को क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब लिंगडोंग के माइंड में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन आने लगते हैं। वहां पर जो तभी मतलब पत्थर का तावीज नहीं होता गाइस, जो लिंगडोंग की बॉडी में रहता है जिसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, उसके अंदर से ना अचानक से एक भावना बाहर निकलती है। जैसे वो भावना कह रही थी, लिंगडोंग
मुझे ये एनर्जी चाहिए। वहाँ पर लिंगडोंग भी पहली बार मतलब ऐसी भावना निकल रही थी पत्थर रास्ते, और लिंगडोंग इसको एकदम एकदम साफ साफ महसूस भी कर पा रहा होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसके चेहरे पर अजीब अजीब सी भावे आ रही होती है। सीनियर गुयान लिंगडोंग को भावनाओं को देख कर समझ जाती है कि लिंगडोंग क्या सोच रहा है। उसके बाद जो गाइस लिंगडोंग होता है ना, वह कुछ टाइम तक ऐसे सोचता होता रहता है। फिर वह सीनियर गुयान से बोलता है, ठीक है सीनियर गुयान, मुझे आपका जो शर्त है वो मंजूर है। मैं गुड ट्राइब की तरफ से ट्राइब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा, बट आप अपना वादा भूलिएगा मत। मुझे डीमन सी मैप साथ ही साथ चावटिक टावर में कल्टीवेशन करने का मौका, ये दोनों ही चाहिए। वहाँ पर सीनियर गुइजान भी बोलती है, हाँ लिंगडोंग मैं अपना वादा नहीं बोलती। वैसे मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो डीमन सी मैप है ना वो अभी भी पूरा नहीं है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, पूरा नहीं है, आपने कहा पूरा मैप देंगी। वहाँ पर जो सीनियर गुइजान होती है वह कहती है, दरअसल लिंगडोंग जितना डीमन सी को जाना गया है उतना का मैप अभी तक अवेलेबल है। दरअसल डीमन सी काफी ज्यादा बड़ा है, कुछ जगह ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक खोजा ही नहीं गया है, कुछ कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं है, और जितना हम लोग को पता है उतना हमारे पास मैप है, और वो मैप काफी ज्यादा महंगा मिलता है, बट वो मैप अच्छी खासी कीमत में हम अफोर्ड कर सकते हैं। बट कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके बारे में हमें भी कोई आइडिया नहीं है, ना ही उन मैप्स में मेंशन होते हैं। और तुम अगर मतलब पूरा डीमन सी का मैप एकदम बारे में जानना चाहते हो ना, तो केवल एक ऐसी ट्राइब है ना जो डीमन सी पर समझे एकदम राज करती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डीमन ट्राइब है। उस डीमन ट्राइब का नाम है समुद्री दानव जाति। गाइस ये हिंदी में नाम बता रहा हूँ, अच्छा नाम है ना, समुद्री दानव जाति। समुद्री दानव जाति के सभी जितने भी कल्टीवेटर्स हैं उनके बीच में एकदम लड़ाई झगड़ा एकदम मारपीट होता ही रहता है, और ये सारे कल्टीवेटर समुद्र के अंदर रहते हैं, और इनके पास ना तुम मान सकते हो एकदम बहुत ही ज़्यादा डेंजर लेवल का पूरा डीमन सी का मैप हो सकता है। बट चलो जितना हम लोग के पास मौजूद है, जितना इस कॉन्टिनेंट पर मिलेगा वो भी मतलब ज्ञात मिला हुआ है, जैसे नहीं घूमने उमने, अरे मतलब अच्छा खासा लेवल का है। रीज़न यह है ना लिंगडोंग, ये जो डीमन सी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा, जो कुछ जगह खोजे नहीं गए हैं वो जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, मतलब पता नहीं इधर डेंजर लेवल के क्या क्या हो सकते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर कोई जाने वाने की हिम्मत नहीं करता, कोई गलती से पहुँच जाता है तो वापस भी नहीं आता, इसलिए डीमन सी काफ़ी ज़्यादा भयानक है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, आप लोग चिंता मत करिए, जितना मैप है वो ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लिंगडोंग का गाइस मेन मोटो यह था ना कि लिंगडोंग मतलब पूरा डीमन सी का मैप देखना चाहता था। उसके बाद वो जो नहीं धधकता हुआ पैतृक प्रतीक है, दूसरा एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की तरह पैतृक प्रतीक, उसको पाना चाहता था। बट लिंगडोंग को क्या पता है कि वह किसी के पास है जिसका नाम है, मतलब हमने नहीं उस क्या नाम था गाइस भूल गया, चलिए मैं इसको बता दूंगा, नहीं याद आपको, मेंटल पावर वाला कल्टीवेटर का जब लिंगडोंग ने मारा था तो उस बंदे ने भी उस बंदे का जिक्र किया था जिसके पास ये धधकता हुआ पैतृक प्रतीक है। वहाँ पर जो सीनियर गुइजान होती है वह लिंगडोंग से बोलते है, लिंगडोंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, दरअसल ट्राइब कंपटीशन स्टार्ट होने में ना अब केवल कुछ ही टाइम बचा हुआ है, और पहले से हम लोग गुड ट्राइब से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, जाने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, तो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, फिर मैं रास्ते में तुम्हें सारी डिटेल्स विटेल्स बताती रहूँगी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी कहता हाँ। उसके बाद जो गुड ट्राइब के साथ वहाँ से जंगलों की फिर से गाड़ी वाड़ी बैठता और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना गाइस, इस कंपटीशन में उसका जाने का मेन मोटो यह था कि अगर वह इस कंपटीशन में अच्छा खासा प्रदर्शन करता है, ट्रू जीनियस को पीट पाट कर रख देता है, तो लिंगडोंग का इधर नाम फैलेगा। जैसे नाम फैलेगा कि एक स्टार्टिंग लेवल के लाइफ स्टेज के कल्टीवेटर ने इन कल्टीवेटर को पीट दिया, इसको पीट दिया, इधर इस कॉन्टिनेंट के ट्रू जीनियस को पीट दिया, तो नहीं होता नाम फैलता है, तो हो सकता है मिस्टर डाओ और टाइगर जियावान को जब इसके बारे में पता चले तो वो लोग लिंगडोंग के पास आए और फिर वो लोग फिर से अपना रियूनियन कर लें और फिर तीनों अपनी पावर बढ़ाएं और युआन गेट के पास जाएं, उन तीनों बूढ़ों को पीटे जो युआन गेट के तीन सुप्रीम एल्डर नहीं थे गाइस, लिंगडोंग उनको पीटना चाहता था, बहुत ही ज़्यादा मारता है, एकदम उठा उठा कर पटकता है, इसलिए तो जो लिंगडोंग है वो अपनी पावर को जल्दी जल्दी बढ़ा रहा होता है। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद कैसे सीन दिखाया जाता है, ये लोग जंगल वंगल से बाहर निकलते हैं और एक समुद्री एरिया पर पहुंच जाते हैं जहां पर गुड ट्राइब की सीप खड़ी थी। दरअसल ये लोग इस कॉन्टिनेंट पर आए थे वो फल को लेने के लिए, गुड ट्राइब थोड़ा सा समुद्री एरिया में ना
थोड़ा सा नहीं होता है एक अलग कॉन्टिनेंट पर। यहाँ पर आए थे लोग गुड ट्रैवल वाले, तो उन्होंने कुछ कल्टीवेटर्स को जहाज के पास ही रोक दिया था, ऐसे नहीं जहाज को छोड़कर बच्चा सभी लोग गुड ट्राइव के साथ चल देंगे। वहाँ पर कुछ कल्टीवेटर्स मतलब लिंगडोंग को घूर घूर कर देख रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग लिंगडोंग को नहीं जान रहे थे, वो लोग तो जहाज पर रुके थे ना, लिंगडोंग के बारे में क्या जान रहे थे। लेकिन बाकी जो गुड ट्राइव के कल्टीवेटर्स थे वो लिंगडोंग के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से भैया बाबू वाला व्यवहार कर रहे थे। वहीं पर हमें जहाज पर एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है चाचा किन। वहां पर जो चाचा किन होता है वो भी सीनियर गुइयान के पास आता और कहता है, बच्ची सीनियर गुइयान तुम आ चुकी हो। वहां पर जो सीनियर गुइयान होती है वो भी चाचा किन को एकदम धन्यवाद बोलते और कहते हैं, चाचा किन आप कैसे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। वहां पर जो चाचा किन होते हैं वह कहते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम होगी, हम तो जहाज पर आराम से थे। वैसे तुम्हें देख कर लग रहा है तुमने काफी ज्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी को पाया है और तुमने सच में मिस्टीरियस स्प्रिट फ्रूट को पा लिया और तुम्हारी बॉडी से जो आभा निकल रही है सच में काफी ज्यादा कमाल की है। तुमने तो लाइफ मिस्टीरियस स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लिया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। वैसे चलो तुम्हें वो खबर मिली होगी ना, तुम्हारी बहन बड़ी बहन गुई अंगटियान काफी ज्यादा घायल हो चुकी है। वहां पर जो सीनियर गुइयान होती है वो कहती है, हाँ हाँ चाचा किन। और थोड़ा सा वहाँ पर जो सीनियर गुइयान होती है वो थोड़ा सा नहीं होता है, थोड़ा सा उदास उदास भी हो रही जाती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीनियर गुइयान से साइड हटता है और फिर वो जो मिस गुइया छोटी सी लड़की नहीं होती गाइस, उसके साथ बातें होते करता हुआ थोड़ा सा जहाज के साइड चला जाता है। वहाँ पर बूढ़े व्यक्ति की भी नज़र लिंगडोंग पर पड़ती है और फिर वह सीनियर गुइयान से पूछता है, बच्ची सीनियर गुइयान ये आखिर है कौन, ये बंदा है कौन, मुझे तो नहीं लगता है गुड ट्राइब से है। वहाँ पर जो सीनियर गुइयान होती है वो अंकल क्वीन से बोलती है, अंकल क्वीन दरअसल ये लिंगडोंग है, इसे मैंने अपने ट्राइब में इनवाइट किया ताकि जो ट्राइब कंपटीशन हो रहा है उसमें लिंगडोंग हमारी तरफ से फाइट कर सके। बूढ़ा क्वीन काफी ज्यादा शौक हो जाता है और फिर लिंगडोंग की तरफ देखता है। लिंगडोंग काफी ज्यादा गैस नौजवान नौजवान लग रहा था, उसकी बॉडी से जो आभा निकल रही होती है वह लाइफ मिस्टीरियस की होती है, बट अभी लिंगडोंग कुछ ही दिन पहले ना लाइफ मिस्टीरियस स्टेज तक पहुंचा होता है, इसलिए उसकी थोड़ी सी आभा नहीं होती, स्टेबल नहीं लग रही होती है। इसलिए वहां पर जो बूढ़ा क्वीन होता है वह लिंगडोंग की तरफ देखता है और कहता है, ये बंदा तो अभी जल्द ही लाइव मिस्टीरियस स्टेज तक पहुंचा है, तो क्या आपको लगता है आखिर ये बंदा है कौन, मैंने इसके बारे में कुछ सुना नहीं है। बंदा टैलेंटेड तो है बट इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, कोई बुरा बंदा तो नहीं है, मतलब ऐसे बूढ़ा थोड़ा सा सकुप करने लगता है। वहाँ पर जो वो सीनियर गुइयान होती है वो कहते हैं, अरे अंकल क्यों आप चिंता मत करिए, बंदा काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। वहाँ पर जो अंकल क्वीन होता है वह कहता है, अरे बच्ची तुम समझी नहीं, दरअसल बात यह है ना कि गुड ट्राइब ने एक और बंदे को अपनी मदद के लिए बुला लिया है, उस बंदे का नाम मोटाव है। मोटाव का नाम सुनकर सीनियर गुइयान काफी ज्यादा मतलब गुस्सा हो जाते हैं और कहती, क्या उस घिनौने बंदे को आपने बुला लिया है। और गैस हमें मोटाव के बारे में पता चलता है, ये टाव फैमिली का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है, एकदम टैलेंटेड, एकदम टैलेंट कूट कूट का भरा हुआ ट्रू जीनियस है, ये लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के मिडिल लेवल का कल्टीवेटर है। और इस बंदे को गुड ट्राइब ने इनवाइट किया है ताकि यह बंदा गुड ट्राइब की तरफ से फाइट कर सके, नहीं सीनियर गुइयान घायल हो चुकी है। तो वहां पर जो सीनियर गुइयान होते वह कहते, क्या उस मोटाव को आपने इनवाइट किया, वो घटिया बंदा। और गैस मोटाव ने ना इस सीनियर गुइयान को प्रपोज किया था लेकिन सीनियर गुइयान ने उसे रिजेक्ट मार दिया था। वहां पर बूढ़ा क्वीन बोलता है, अरे बच्ची तुम यही तो मैं बोल रहा था तुमसे, गुड ट्राइब वालों ने मोटाव को इनवाइट कर दिया, तुमने लिंगडोंग को इनवाइट कर दिया, लेकिन ट्राइब कंपटीशन में केवल दो ही बंदे पार्टिसिपेट करेंगे ना। अब यहाँ पर मोटाव को तुम एकदम प्रकृति जानते हो, तुमने खुद लिंगडोंग को इनवाइट किया है, तो मोटाव का एकदम दिमाग उमाग खराब हो, समझेगा कि तुम लिंगडोंग को पसंद करती हो इसलिए तुम लिंगडोंग को उठा कर लाई हो, और फिर से मोटाव और लिंगडोंग के बीच में ऐसी वैसी हो जाएगी और ये मोटाव फिर से लिंगडोंग के पीछे पड़ जाएगा। तो तुम समझ रहे हो ना, लिंगडोंग को काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है कि लिंगडोंग को मतलब जो मोटा हुआ है वो लिंगडोंग को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करे। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जैसे जैसे सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना, तो आप हमारे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में ना आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नावल ही मिलेगा। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने ना, तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन करिए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा, उसके बाद केवल आपको 499
यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है, मैं आपको म्यांमार सेल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। गू ट्राइब के अंकल किन ने गुइयान से बोला था, गुइयान मोटाव लिंगडो को परेशान करने की कोशिश करेगा, हो सकता है वह लिंगडो को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करे। यहाँ पर लिंगडोंग मतलब मुझे काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदा दिख रहा है, उसकी उम्र भी अभी बहुत ही ज्यादा कम है और उसकी कल्टिवेशन भी काफी ज्यादा हद तक अच्छी है, तो फालतू में उसे गू ट्राइब में ले जाकर उस पर तुम मुसीबत डाल रही हो। वहां पर जो गुइयान होती है उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वह अंकल क्विन की तरफ देख कर कहती है, अंकल क्विन आप चिंता मत करिए, अगर मोटाव लिंगडोंग से पंगे लेता है तो मोटाव को काफी बड़े परिणाम चुकाने को मिल सकते हैं। वहां पर मतलब गुइयान की हंसी को देखकर वहां पर अंकल क्विन भी काफी ज्यादा शौक में होते हैं। वहां पर गुइयान सोचती है, लिंगडोंग जब निर्वाणा की लेवल 9 पर था तब उसने 2 लाइव मिस्ट्री स्टेज के कल्टिवेटर को जान से मार दिया था, अब इसकी पावर लाइव मिस्ट्री स्टेज तक पहुंच चुकी है। साथ ही साथ मैंने जब तक लिंगडोंग के साथ रहना, लिंगडोंग जब तक किसी बंदे से पंगा नहीं लेता, जब तक वो बंदा आकर लिंगडोंग को उंगली नहीं करता है, अगर ये बंदा मतलब मोटाव अगर लिंगडोंग को उंगली करता है तब तो मजा आ जाएगा। मोटाव की जो हालत होगी ना गाइस, मोटाव ने नहीं थोड़ा सा गुइयान को प्रपोज किया था लेकिन गुइयान ने इसे रिजेक्ट मार दिया था ना, ये थोड़ी सी बात थी। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। दरअसल लिंगडोंग अभी भी जहाज पर बैठकर समुद्री जहाज था ना गाइस, समुद्र में बहुत सारे क्रिएचर्स थे तो उड़कर जाना बहुत ही ज्यादा मतलब नहीं उड़कर जा रहे हो, कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिएचर निकला खा गया, तो यहाँ पर स्पेशली ऐसे जहाज बनाए गए थे जो डीमन सी में चल सके। तो यहाँ पर लिंगडोंग को लमसम मतलब गू ट्राइब यहाँ से काफी ज्यादा दूर था ना तो थोड़ा सा समय में लग जाता है। इधर जो लिंगडोंग होता है वह इस टाइम गुइयान के पास होता है, सीनियर सिस्टर गुइयान के पास, और वहाँ पर लिंगडोंग सीनियर सिस्टर से गुइयान से पूछता है, सीनियर सिस्टर गुइयान क्या थोड़ा सा आप मुझे मार्शल गैदरिंग के बारे में बता सकते हैं और साथ ही साथ पिछली बार कौन सा ट्राइब कॉम्पिटिशन जीता था, साथ ही साथ कितने ज्यादा पावरफुल और कौन कौन से टैलेंटेड जीनियस हैं, क्योंकि गाइस कोई भी प्लानिंग करने से पहले ना अपने अपोनेंट के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वहां पर जो गुइयान होती है वह कहती है, हाँ लिंगडोंग दरअसल मैं तुम्हें बता सकती हूँ, इस बार जो 5 ट्राइब्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और भी छोटे मोटे ट्राइब से पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें इन्हीं 5 ट्राइब से लगाई जाती हैं। 5 ट्राइब में एक तुम मिल सकते हो, वी ट्राइब से मिले हो ना, वी ट्राइब के लोग, एक गु ट्राइब के लोग, और ऐसे गाइस 3 और ट्राइब्स के लोग हैं। वहां पर जो गुइयान होती है वो बताती है, दरअसल वी ट्राइब का वी सॉन्ग सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा नहीं है बल्कि वी ट्राइब का वी जैन एक काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है, वो भी बंदा लाइफ मिस्टेक स्टेज तक पहुंच चुका है और उसने भी मतलब बहुत ज्यादा इधर अपना नाम बनाया है। साथ ही साथ जो हर बार ट्राइब कॉम्पिटिशन जीतता है उस ट्राइब का नाम है सेंगटू कबीला। सेंगटू कबीले का ट्रू जीनियस काफी ज्यादा खतरनाक है, वो पहले से लाइव स्टेज में काफी ज्यादा आगे तक बढ़ चुका है और उसकी पावर बहुत ही ज्यादा भयानक है। सेंगटू कबीले ना मतलब पिछली बार जितने भी ट्राइब कंपटीशन हुए थे सभी ट्राइब कंपटीशन को केवल सेंगटू कबीला ही जीता था, और जो सेंगटू कबीला का ट्रू जीनियस है उसने एक बहुत ही ज्यादा डेंजर सेंगटू कबीले की बॉडी टेम्परिंग मार्शल आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस की है जिसका नाम है असुरा बॉडी मार्शल आर्ट टेक्निक, और सेंगटू कबीला इस पूरे एरिया में काफी ज्यादा फेमस है और उसका जो ट्रू जीनियस है वो भी काफी ज्यादा फेमस है। और वहां पर जो गुइयान होती है वो इसी सेंगटू कबीले के ट्रू जीनियस के बारे में लिंगडोंग को काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने लगती है। वहां पर जो गुइयान होती है वो बताती है, दरअसल 5 ट्राइब से सबसे ज्यादा मेन है ना, 5 ट्राइब में से 4 ट्राइब के ट्रू जीनियस आपस में फाइट करेंगे और जो भी एकदम लास्ट बंदा बचेगा, मतलब 4 ट्राइब होंगे तो पहले 2-2 आपस में फाइट करेंगे, उसके बाद 2 फाइनल में जाएंगे, सेमीफाइनल में जाएंगे, सेमीफाइनल में ये दोनों ट्राइब्स आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर एक फाइनल चुना जाएगा। फाइनल में आपको सेंगटू कबीले से फाइट करना होता है। दरअसल यहाँ पर मार्शल गैदरिंग ट्राइब कॉम्पिटिशन का यह नियम है, जो भी पिछला बार कॉम्पिटिशन जीता होगा ना उसे एकदम सीधे फाइनल में भेज दिया जाएगा। दरअसल जो सेंगटू कबीला था ना उसने पिछली बार मार्शल गैदरिंग कॉम्पिटिशन जीता था तो
उसे सीधे फाइनल में भेज दिया जाएगा। बाकी जो बची हुई ट्राइब्स हैं वो आपस में पार्टिसिपेट करेंगी और फाइट शॉट्स करेंगी। इनके ट्रू जीनियस आपस में पार्टिसिपेट फाइट शॉट्स करेंगी। उसके बाद उनमें से कोई एक चुना जाएगा और ये जो चुना जाएगा ना ट्राइब्स, उसे सैंक्टू कबीले के साथ फाइट करनी होगी। सैंक्टू कबीले के ट्रू जीनियस बहुत ही ज्यादा डेंजर है। अगर वह कबीला सैंक्टू कबीले को हरा देता है तो उस कबीले को फर्स्ट रैंक की पोजीशन दी जाएगी, साथ ही साथ चार्टिक टावर में जाने की जो 3 सीट्स हैं उसी कबीले को प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन सैंक्टू कबीले के ट्रू जीनियस बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। बहुत ही सालों से वही लोग फर्स्ट पोजीशन को होल्ड कर रखे हुए हैं। और एक बात और लिंगडोंग, दरअसल जो सैंक्टू कबीले का ट्रू जीनियस है ना, वो पूरे इस एरिया में नंबर 3rd पोजीशन पर आता है। लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि मतलब जिस तरह से गुइयान सैंक्टू कबीले के ट्रू जीनियस के बारे में बता रही थी, ऐसा लग रहा था कि जो सैंक्टू कबीले का ट्रू जीनियस है ना, उसके पास पक्का ही कोई सीक्रेट सीक्रेट होंगे, तभी ना गाइस इतना ज़्यादा नाम बनाया है। जैसे आपको ही पता होगा युआन किंग, युआन गेट का युआन किंग, उसने भी काफ़ी ज़्यादा नाम बनाया था। लास्ट में जब लिंगडोंग की उसके साथ फाइट हुई थी तो उस बंदे के पास आत्मा प्रतीक था। वहाँ पर लिंगडोंग ने जब ये सुना था ना कि जो सैंक्टू कबीले का ट्रू जीनियस है वह इस पूरी एरिया में 3rd रैंक रखता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से गुइयाना एक्सप्लेन कर रही थी सैंक्टू कबीले के ट्रू जीनियस के बारे में, लिंगडोंग को ऐसा लग रहा था कि उसे एरिया में नंबर 1 होना तो चाहिए, बट वह टॉप 3 पर आता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह गुइयान से पूछता है, अच्छा सीनियर सिस्टर गुइयान, तो टॉप 1 और टॉप 2 पर कौन आता है? वहाँ पर जो सीनियर सिस्टर गुइयान होते वह कहती है, दरअसल ट्राइब कॉम्पिटिशन में केवल 5 ही ट्राइब्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन 2 और ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स नहीं तुम सेक्ट बोल सकते हो, जिनमें से पहले सेक्ट का नाम है ब्रह्मांड गुफा, जिसका ट्रू जीनियस है झाउयान, और दूसरा जो ट्रू जीनियस है वो राक्षसी पवन गुफा का ट्रू जीनियस है अंडरवर्ल्ड किंग जियान है। और ये दोनों ही बंदे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा माना जाता है कि लाइव मिस्टर स्टेज के भी पीक पर पहुंच चुके हैं। वहाँ पर जो सीनियर सिस्टर गुइयान होती है वह झाउयान और अंडरवर्ल्ड किंग जियान के बारे में थोड़ा सा लिंगडोंग को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करती है, उनके कारनामे और नामे बताती है। लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। वहाँ पर जो सीनियर सिस्टर गुइयान होती है वो लिंगडोंग को बताती है, दरअसल जो सैंक्टू कबीले का ट्रू जीनियस है ना, और जो झाउयान और अंडरवर्ल्ड किंग जियान, इन तीनों के बीच में कभी आपस में फाइट नहीं हुई है, रैंकिंग वैसे ही लोगों ने दे दी है जैसे नहीं नाम सुनकर। बट यहाँ पर सैंक्टू कबीले का ट्रू जीनियस है ना, उसे भी थोड़ा सा कमजोर मत समझना, लिंगडोंग बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। ऐसे ऐसे बातें होते रहती हैं, थोड़ा सा मैं इधर बातों को स्किप मार रहा हूँ, फाइट में हमें वैसे भी इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। तो उसके बाद हमें यहाँ से सीधे सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें गुड ट्राइब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ये जहाज नहीं होता है जिसमें लिंगडोंग और बाकी लोग सवार थे, वो फाइनली गुड ट्राइब में पहुँच जाता है। और जहाज से बाकी कल्टिवेटर्स जैसे गुइयान, छोटी लड़की मिस गुइया, लिंगडोंग और बाकी गुड ट्राइब के सभी कल्टिवेटर्स जहाज से बाहर और निकलते हैं, तभी जहाज के पास बहुत सारे गुड ट्राइब्स के कल्टिवेटर्स और लोग घेर लेते हैं और सीनियर सिस्टर गुइयान को देख रहे होते हैं, क्योंकि सीनियर सिस्टर गुइयान इस टाइम लेवल अप करके लाइफ स्टेज स्टेज तक पहुंच चुकी होती है, जिसके लिए ना बहुत सारे लोग उन्हें बधाई उधाई दे रहे होते हैं, बहुत ही बधाई सीनियर सिस्टर गुइयान। और ऐसे ही बहुत सारे लोग आकर थोड़ा सा बातें होते करने लगते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग चुपचाप सीनियर सिस्टर गुइयान के मतलब पीछे था, कुछ लोग लिंगडोंग को देख रहे होते हैं, मतलब लिंगडोंग गुड ट्राइब से नहीं था ना, इसलिए उन्हें थोड़ा सा अजीब रहा होता है। और तभी हमें भीड़ में से एक बूढ़े व्यक्ति को आता हुआ दिखाई दिया जाता है, जिसके पीछे एक सुंदर सा दिखने वाला बंदा था, जिसने लाल कलर का कपड़ा पहना हुआ था। गाइस ये बंदा और कोई नहीं बल्कि मोताव होता है, जो बूढ़ा व्यक्ति नहीं होता है वह गुड ट्राइब का एक एल्डर होता है, जिसे आप सीनियर सिस्टर गुइयान का ना एक चाचा भी मान सकते हैं। वहाँ पर उसका नाम होता है अंकल गुलिंग। वहाँ पर जो अंकल गुलिंग होता है वो भी सीनियर सिस्टर गुइयान के पास आता और कहता, बच्ची तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, फाइनली तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका मिल गया और तुमने लाइव स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लिया, मुझे तुम पर नाच है।
वहाँ पर गुइयान भी अंकल गुलिंग को एकदम ग्रेटुएट करती है। अंकल गुलिंग गुइयान को बताता है, दरअसल ये मोटाव है, तुम इनके बारे में जानती हो? दरअसल इस बार हमारे गु ट्राइब ने मोटाव के सेक्ट से जाकर एकदम थोड़ा सा विनती उनती किया था कि मोटाव को हमारी तरफ से ट्राइब कॉम्पिटिशन में भेज दिया जाए ताकि मोटाव हमारी तरफ से फाइट कर सके। इसलिए मोटाव गु ट्राइब्स को सपोर्ट करने के लिए आ चुका है और यही तुम्हारे साथ मिलकर मार्शल गैदरिंग में जो भी कंपटीशन होने वाला है गु ट्राइब की तरफ से पार्टिसिपेट करेगा। और वहाँ पर जो मोटाव होता है वो भी मतलब गुइयांग को देखता है और मुस्कुरा देता है, सीनियर गुइयांग को देखता है और मुस्कुरा देता है बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से। मतलब इस बंदे में हवस भरी हुई थी। वहाँ पर लिंगडोंग भाई कुछ नहीं था, आराम से चुपचाप पीछे खड़ा था, कुछ बोल वोल नहीं रहा था। वहाँ पर जो वो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो सीनियर सिस्टर गुइयांग की तरफ देख कर कहता है, गुइयान ये कौन है? वहाँ पर जो गुइयान होती है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, अंकल कूलिंग दरअसल ये लिंगडोंग है, मैंने इसे इनवाइट किया है गु ट्राइब में ताकि यह जो मार्शल गैदरिंग कंपटीशन होने वाला है इसमें लिंगडोंग मेरी तरफ से मतलब पार्टिसिपेट करेगा। मैं लिंगडोंग के साथ गु ट्राइब में जो कंपटीशन होगा मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगी। यह बात सुनकर आसपास के सभी कल्टिवेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा मतलब शौक हो जाते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति भी लिंगडोंग की तरफ देखता है, वह देखता है कि लिंगडोंग भी एक लाइफ स्टेज चीज का कल्टिवेटर है, लेकिन लिंगडोंग की बॉडी से जो आभा रिलीज हो रही है ना वो भी ऐसा फील हो रहा था कि जैसे लिंगडोंग अभी जल्दी लाइव स्टेज स्टेज तक पहुंचा है और उसकी पावर अभी उतनी ज्यादा स्टेबल भी नहीं है। वहां पर बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, सीनियर सिस्टर गुइयान तुम क्या बोल रही हो? दरअसल तुम मजाक उजाक तो नहीं कर रही हो? चलिए मजाक है तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, बट तुम जानी हो ना मैटर कितना ज्यादा सीरियस है। गु ट्राइब हमेशा ही ट्राइब कॉम्पिटिशन में काफी ज्यादा पीछे वाली रैंकिंग लाता था, बट इस बार गुइयांग टियान पर हमने भरोसा लगाया था, लेकिन गुइयांग टियान पर मतलब सीनियर सिस्टर गुइयान की एक बहन है गाइस गुइयांग टियान, उस पर किसी ने सीक्रेट अटैक्स करवा दिए जिसके कारण वो काफी ज्यादा घायल हो चुकी है। इसलिए हमने बाहर से मोटाव को सपोर्ट के लिए बुलाया और तुम कह रही हो कि तुम एक और बंदे को लेकर आई हो। देखो ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है मैं मानता हूँ, इसे मतलब ट्राइब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को मत बोलो, चुपचाप ये बंदा हमारे गुड ट्राइब में गेस्ट बनकर है और ट्राइब कंपटीशन अगर ये देखना चाहता है तो हमारी तरफ से गेस्ट बनकर ट्राइब कंपटीशन देख सकता है। वहाँ पर जो गुइयान होते वह कहते नहीं, लिंगडोंग काफी ज्यादा मतलब शक्तिशाली है। वहाँ पर जो मोटाव होता है वो तभी हंसने लगता है और कहता है, ये बंदा भी अभी लाइव स्टेज स्टेज तक पहुँचा है और मैं कभी का लाइव स्टेज स्टेज तक पहुँच चुका हूँ, मुझमें इस बंदे से काफी ज्यादा खतरनाक काबिलियत है, इस बंदे की अभी पावर भी स्टेबल नहीं हुई है। और थोड़ा सा वो मोटाव लिंगडोंग का मजाक उजाक भी उड़ा देता है लेकिन लिंगडोंग को कोई फर्क नहीं है, मतलब आराम से पीछे खड़ा है ना, कुछ बोल रहा है नहीं है, जैसे नहीं होता एकदम शांति से खड़ा है, क्या ही बोले, फैमिली मैटर है उन लोग का, ये संभाले ना। अगर ये लोग मतलब ट्राइब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का लिंगडोंग को मौका नहीं देंगे तो लिंगडोंग कोई और रास्ता ढूंढ लेगा, सिंपल सी बात है, लिंगडोंग को चार्टिक टावर का टोकन चाहिए। तो फालतू में फैमिली के बीच में बोलना है नहीं गाइस थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ये लड़ाई होती है गाली पड़ता है इधर होता है तो ज़्यादा ही मैटर बड़ा हो जाता है, तो फालतू में फैमिली मैटर में लिंगडोंग नहीं पड़ता है, कौन सा एकदम औरत की तरह वो नहीं हो रहा। वहाँ पर जो सीनियर सिस्टर गुइयान होती है वो मोटाव की बातों को सुनकर मोटाव की तरफ घूर कर देख कर कहती है, लिंगडोंग की ताकत पहले से भी बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त है, वह तुम्हें अभी हराने की क्षमता रखता है। मोटाव जोर जोर से हंसने लगता है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 400 से 500 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आज जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूंगा, उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो गाइस अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना ना तो बाय कर सकते हैं। इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो आराम से पीछे खड़ा होता है, कोई ना इधर गुइयांग बोलती है, मतलब जो सीनियर सिस्टर गुइयांग
होती है, वो भी मोटाओ से बोलते है कि मोटाओ लिंगडन तुम्हें हराने के लिए एकदम पर्याप्त ताकतवर है। मोटाओ हंसने लगता है, तभी पीछे से दो एल्डर्स की आवाज आती है और तभी जैसे भीड़ और साइड हटती है और हमें वहां पर दो एल्डर्स को दिखाया जाता है। दो एल्डर्स आते हुए बूढ़े थे, थोड़ा सफेद और फिर दाढ़ी थी, दहलाते वाले थे, आते हैं और वो दोनों एल्डर्स सीनियर सिस्टर गुइयान की तरफ देख कर कहते हैं, गुइयान ये मैटर काफी ज्यादा सीरियस है और तुम्हारे पास कोई भी राइट्स नहीं है कि तुम गुड ट्राइब में किसे इन्वाइट कर रही हो कि हमारे गुड ट्राइब की तरफ से वो बंदा फाइट करेगा। उस बंदे के पास पावर और थोड़ी सी काबिलियत भी होनी चाहिए, ये बंदा टैलेंटेड है, लेकिन मैटर जान रही हो ना कितना ज्यादा सीरियस है। यहाँ पर गु ट्राइब के जो लीडर थे उन्होंने खुद मोटाओ के ट्राइब के पास जाकर मोटाओ को मतलब इनवाइट करने को बोला था, तुम बोले नहीं मोटाओ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं चलेगा ना, तुम्हारे पास कोई भी राइट्स वाइट्स नहीं है। यहाँ पर ये जो बंदा लिंगडोंग है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, वो हमारे गुड ट्राइब में गेस्ट बनकर है और अच्छे से कंपटीशन देखे उसके बाद अगर इसको जाना तो ये चाह सकता है। वहां पर जो गुइयान होती है वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं बट वो दोनों ही एल्डर्स उसे डांट ओट देते हैं। तभी पीछे से एक लेडी की आवाज आती है, वो लेडी को देख कर सभी लोग फिर से भीड़ थोड़ा सा साइड करते हैं। वहां पर लोग बोलते हैं ये तो एल्डर मैंगी है। वहां पर ये गाइस ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एकदम कमाल की बंदी होती है, एकदम फिगर उगर एकदम डेंजर लेवल का होता है। वो लड़की भी उधर आती है और लड़की नहीं गाइस लेडी थी और वहां के मतलब एक गुड ट्राइब की एक एल्डर थी। वहां पर जो एल्डर मैंगी होती है वो दोनों एल्डर को शांत कराती है और बोलती है अरे दोनों बूढ़े एल्डर थोड़ा सा शांत रहो। यहाँ पर गुइयान भी सोच समझ कर इस बंदे को अपने साथ लाई होगी, जितना मैं गुइयान को जानती हूँ वह किसी भी बंदे को ऐसे ही अपने गुड ट्राइब में नहीं लाएगी, उसे इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर में शामिल नहीं करेगी। वहां पर फिर वो एल्डर मैंगी जो गुइयान होती है उसकी तरफ देख कर कहते हैं गुइयान तुम अपनी बातें पूरी करो और इस बंदे के बारे में पूरी बातें बताओ। वहां पर जो गुइयान होती है वो एल्डर मैंगी को धन्यवाद बोलते और कहती एल्डर मैंगी ये बंदा लिंगडोंग है, दरअसल हमें यह बंदा मतलब हम जब मिस्टीरियस स्पिरिट फ्रूट को पाने जा रहे थे तब यह बंदा हमें रास्ते मिला था, काफी ज्यादा घायल था, इस बंदे का इलाज हुआ फिर इस बंदे ने अपने आप को ठीक किया, ऐसे कहानियों ने बताने लगती है। और लिंगडोंग ने हमारी गुड ट्राइब की काफी ज्यादा मदद करी, अगर लिंगडोंग नहीं होता ना तो हम मिस्टीरियस स्पिरिट फ्रूट कभी नहीं पा पाते और कभी भी मैं लेवल अप नहीं कर पाती। साथ ही साथ ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड, इसकी पावर बहुत ही ज्यादा भयानक है, इसने मतलब दो दो लाइफ स्टेज के कल्टीवेटर को जान से मार दिया, जिसमें से भाईजू और एक तीन मुंह वाला सांप था जिसने इंसानी रूप धरा था वो दोनों ही लाइफ स्टेज के कल्टीवेटर थे। वहां पर जैसे ही ना सीनियर सिस्टर गुइयान ये सारी चीजें गुड ट्राइब के लोगों को बताती है, वहां पर मोटाओ जोर जोर से हंसने लगता और कहता है क्या ये बंदा सच में दो दो लाइव स्टेज के कल्टीवेटर को जान से मार डाले, वो भी भाईजू और एक सांप को जो तीन मुंह वाला सांप था बहुत ही ज्यादा, वो भी लाइव स्टेज के कल्टीवेशन में आगे जा चुका था। वो बंदा हंसने लगता और कहता है इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, सीनियर गुइयान तुम यहाँ पर क्या क्या फेंक रही हो, मतलब तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसी ऐसी फेंक सकती हो। वहां पर मोटाओ भी हंसने लगता है, बाकी गुड ट्राइब के जो नहीं इधर कल्टीवेटर्स थे साथ ही साथ एल्डर मैंगी और दोनों इधर जो एल्डर सोल्डर साहब थे किसी को भी सीनियर गुइयान की बातों पर भरोसा नहीं था। वहां पर जो मोटाओ होता है वो फिर थोड़ा सा अपने आप को शांत करता और कहता है चलो, वहां पर लिंगडोंग की तरफ देख कर थोड़ा सा अजीब नजर से कहता है चलो दरअसल मैं मान लेता हूँ तुमने हरा हरा दिया, तो मैं यहाँ पर एक चैलेंज करता हूँ, यहाँ पर ऐसे मैटर सॉल्व नहीं होगा, तो चैलेंज यह है ना लिंगडोंग, अगर तुम मुझे हरा देते हो मतलब हम और तुम फाइट करेंगे, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो जो गुड ट्राइब की तरफ से नहीं दो बंदे आ चुके हैं, एक लिंगडोंग आ चुका है एक ये मोटाओ आ चुका है, तो मैं चुपचाप यहाँ से हट जाऊंगा, तुम गुड ट्राइब की तरफ से फाइट कर सकते हो। अभी भाई गाइस लिंगडोंग शांत है, कोई जवाब नहीं देता। वहां पर मोटाओ बोलता रहे भाई लड़े उड़ेगा नहीं या तू डर गया। वहां पर मोटाओ बोल देता है देखो जो भी फाइट्स हारेगा ना वो चुपचाप यहाँ से चला जाएगा, मतलब दुम दबा कर यहाँ से भाग जाएगा। वहां पर लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं बट एक ही शब्द बोलता है तो ठीक है चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यह बात सुनकर मोटाओ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या मैं जाऊं, तू मेरे को इतना ज्यादा नीच और इतना ज्यादा कमजोर समझ रहा है, आज मैं तुझे अपनी पावर दिखाऊंगा। और मोटाओ तुरंत अपनी बॉडी से अपनी आवा को रिलीज करने लगता है।
फिर जो मोटा होता है वो अपने आप को शांत करता है, लिंगडोंग की तरफ देखता है। लिंगडोंग उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। मोटा बोलता है, लगता है बंदा मतलब मुझे नीचा ऊंचा थोड़ा समझ रहा है, ये सोच रहा है ना कि मैं मोटा उसे फाइट करूंगा, मोटा हरा देगा, तो मैंने ये बोलूंगा मोटा उसे मैंने फाइट किया, मैं हार गया तो थोड़ा मैं फेमस हो जाऊंगा। इसलिए जो मोटा होता है मतलब लिंगडोंग को बहुत ही ज्यादा नीचे ऊंचे समझ रहा होता है। गाइस वहां पर जो मोटा होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, चलो लिंगडोंग मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। ऑफर यह है ना कि मैं यहाँ पर एक गोले का निर्माण करता हूँ, तुम्हें मुझ पर अटैक्स करने हैं। अगर तुम्हारे अटैक्स में इतने ज्यादा दम होंगे कि तुम मुझे इस गोले से बाहर निकाल देते हो ना, तो मैं हार मान जाऊंगा। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है ना, तो अगर आपको हमारा मतलब अगर आपको वीडियो जल्दी देखनी है तो पेड भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।